अंगद की फोटो? कमाल है, अंगद की फोटो आई है न्यूज़पेपर में और देखो न्यूज़पेपर को कैसे खराब करके फेंका हुआ है। युवा बिजनेस टाइकून बराज ज्वेलर्स के सीईओ श्री अंगद सिंह बरार को आज बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुखदीप, हरप्रीत, जल्दी आओ। देखो सुनो, मुझे इस न्यूज़पेपर की 10 कॉपीज और चाहिए, जल्दी जाओ लेकर आओ। और सुनो, तुम सबको जाकर बोलो कि 1 घंटे में नाश्ते टेबल पर आए, आज हम सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे, कहना कुछ बहुत स्पेशल है। ओके, वाओ अंगद, ये तो कमाल की न्यूज है। अब तुम देखना तुम्हारे स्पेशल डे को मैं और स्पेशल कैसे बनाती। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगी अंगद, तुम उस साहिबा को भूल जाओगे। हाँ रे, गुड मॉर्निंग सीरत। सब लोग आ गए हैं, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लगवाया? नाश्ता एकदम रेडी है मामी जी, लेकिन आप सब लोगों को ना आज थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्यों, क्या हुआ है भाई? ये क्या है? युवा बिजनेस टाइकून बरार ज्वेलर्स के सीईओ श्री अंगद सिंह बरार को आज बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सुनिया बरार साहब। हाँ बेबे, अंगद को अवार्ड मिलने वाला है, इसीलिए तो मैंने नाश्ता नहीं लगवाया, क्योंकि आज नाश्ता नहीं, आज तो दावत होगी। हाँ बिल्कुल, बेबे हमारे अंगद को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी ने अवार्ड मुझे दे दिया हो। और ये कोई ऐसा वैसा अवार्ड नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इस अवार्ड की वजह से हमारे बिजनेस और शेयर्स में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, आई एम सो श्योर। और अंगद की वजह से ना हम सबका सर फक्र से ऊंचा हो गया है। आज तुमने ये खबर सबको देके बहुत खुश कर दिया, बहुत दिनों बाद खुशी हुई है सबको। थैंक यू पुत्र। अरे हमारा बिजनेस ऑफ द ईयर है कहाँ, अभी तक आया क्यों नहीं? ये देखो दार्जी, अंगद भी आ गया।